सो जब मैं कराची आया तो कराची में मेरे थीसिस को जो है वो मुझे हेल्प आउट की थी जामी ने, मैं उनसे मिला था, मैं अपने थीसिस का उनसे डिस्कशन किया, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे थे और देन ही आस्क्ड मी टू ज्वाइन आज़ाद फिल्म एज असिस्टेंट डायरेक्टर। सो मैंने फिर जामी के साथ कोई अगले 2-3 साल काम किया और उनसे काफ़ी सीखने का मौका मिला, काफ़ी सारी चीज़ें जो उनका स्टाइल था उसका आइडिया हुआ, और वो बिल्कुल एक नया यहाँ पे माहौल था एडवर्टाइजिंग का, और जो मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजिंग जो हमने खुद बनते और बदलते हुए देखी है। सो उस ज़माने से स्टार्ट किया था एज एन एडी, और उसके 2-3 साल बाद जब उनके साथ काम करके काफ़ी सारी सीखने का मौका मिला, देन आई स्टार्टेड माई ओन वर्क, और फिर कुछ और लोगों के साथ असिस्ट भी किया, और देन आई स्टार्टेड माई करियर एज ए डायरेक्टर इन 2000, आप कह सकते हैं तकरीबन कोई 11-12 में मैं स्टार्ट कर चुका था। मेरी जो बुनियादी तालीम जो मैंने हासिल की वो फिल्म नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैंने मास्टर्स किया है फिल्म एंड टेलीविज़न में। 2005 में मैं वहाँ पे एडमिशन हुआ था मेरा। ये वो ज़माना था जब मुशर्रफ ने 2004-2005 के ज़माने में इस चीज़ की नीड को पकड़ा था कि हम हमें फिल्म मेकिंग के अंदर काम करना है और उसको एज अ एजुकेशन के तौर पे लेकर आना है। तो उस ज़माने में अगर नोट करें तो खुदा के लिए की मूवी भी उसी ज़माने में बनी थी, और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी उसी ज़माने में, उसका जो ये डिपार्टमेंट है बैचलर्स का, उससे पहले कम्युनिकेशन डिज़ाइन का डिपार्टमेंट तो वहाँ था डिज़ाइन, लेकिन इसमें बैचलर्स प्रोग्राम नहीं था, तो बैचलर्स प्रोग्राम फिल्म एंड टेलीविज़न का वहाँ पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, और नेपा की भी बुनियाद 2005 में रखी गई थी। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं ये पढ़ना चाहता था और मैं एक्सप्लोर कर रहा था पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के कहाँ पे हम ये पढ़ाई कर सकते हैं इसकी, और वो NCA में इसका एडमिशन का आ गया और वो वहाँ पे फिर हम लोगों ने पढ़ा। सो जब भी आपके पास कोई कॉन्सेप्ट आता है ना, तो एज एडिटर आप उसमें कोशिश करते हैं कि आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सो मेरे पास जब आते हैं तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन ऑफ टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर्स के हिसाब से, और वो कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको, क्योंकि कमर्शियल के अंदर ना कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत कम चीज़ों में लिखा होता है, इतनी मैंशनिंग ही नहीं होती, क्योंकि वो बड़ा बेसिक सा एक ड्राफ्ट होता है इस कॉन्सेप्ट का कि ये है। उसमें जो वैल्यू एडिशन होती है उस वक्त है जब आप उसकी कैरेक्टराइजेशन के ऊपर काम करते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे कि कारनामा की अगर आप एग्जांपल लें, तो उसमें जैसे 5 वॉइस हैं, 5 वॉइस की चाहे वो ऑडियंस उसको पिक करे ना करे, लेकिन इवेंचुअली वो कभी ना कभी करेगी। पाँचों की डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि उनके वार्डरोब से, उनके स्टाइल ऑफ बात करने से, उनके तरीक़ों से वो नज़र आ रही है। अब ये सारी जो डिटेल और ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको कभी आपके स्क्रिप्ट में नहीं होती है। ये एज अ डायरेक्टर आप जब आप बैठते हैं कि यार मैं इसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वही लाइन को बोलने का तरीका, उसकी ब्लॉकिंग, उसका इवन की शूटिंग स्टाइल भी उसी से डिपेंडेंट होता है कि आप किस हद तक अपने कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो मेरा तो यही है कि आप टैलेंट को लें और सही कास्टिंग उसकी सही करें, और उसके साथ थोड़ा सा टाइम लगाएं अपने कैरेक्टर के ऊपर। जो सबसे चीज़ होती है वो ये है कि कमर्शियल को ना हम बाज़ औक़ात, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है तो हम उसको बहुत डिटेल में इतना नहीं एक्सप्लोर नहीं करते, एक्सप्लोरेशन पे जाते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये बस एक कमर्शियल है, किसी क्लाइंट के लिए करना, फिर आगे बढ़ जाना है। लेकिन जब आपके पास एवेन्यूज़ नहीं होते ना नैरेटिव को एक्सप्लोर करने के, फिल्मों का माहौल नहीं होता चीज़ों, तो यही आपकी ज़िंदगी होती है, तो आपको उसी में चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स निकाल कर। तो वो चाहे आप जितने भी, मैंने अगर आप काम करें, आप देखें इवन के एरियल जो हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया था, तो उसके अंदर एक शॉट है, मैं उसका सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वो शॉट था जिसके अंदर अली शेख जो हमारा टैलेंट है वो उस लड़की को देख रहा है, वो किचन में काम कर रही है, और उसके बीच में एक ग्लास वॉल है। अब वो किसी को अगर वो बात समझ में आती है कि वो वहाँ खड़ा हुआ उसको देख रहा है, क्योंकि उसने अपनी दुनिया को अलग किया हुआ है कि वो शायद उसमें उस पैरामीटर्स में घुसना ही नहीं चाहता, तो वो अगर किसी की समझ में आती है तो शायद कभी आएगी, लेकिन मैंने वो सोच के उसी तरह से सोचा हुआ था कि यार वो अगर उसको वहाँ से देखेगा तो वो सीन की एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं थोड़ी वैल्यू एडिशन कर रहा है कि उसने अपने आप को उस जगह से कंटेन किया हुआ है, वो आता नहीं है, उसके बाद पूरी कहानी वहाँ से शिफ्ट करती है कि वो अब ये छोटा सा पार्ट है कमर्शियल के अंदर, 30-40-1 मिनट की वीडियो है, उसमें आप इतनी एक्सप्लोरेशन आप साइंस लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, ना लगाएं तो नहीं लगाएं, लेकिन यही वो डिटेल्स होती हैं जो ना टेक्सचर और चीज़ों को, कंटेंट को बनाती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आप जब थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा उसके बारे में सोचें कि आपका कंटेंट किस तरह का है,
टैलेंट आप क्या ले रहे हैं, उसकी कैरेक्टराइजेशन के ऊपर काम करें, बैक स्टोरी बनाएं, चाहे वो एक डायलॉग दो डायलॉग ही क्यों ना हो, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि पीछे चार जुमले उसने क्या बोले थे और वो बोलता हुआ आया था तो उसने आखिरी ये दो जुमले बोले थे और जब वो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्टिंग को, और आई थिंक मार्जिन आपका एक्टर भी इसको एंजॉय करता है, आप भी इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। इंडस्ट्री में तो हमारे यहाँ है कि लोग कहते हैं कि ये किसी को ये स्टाइल का काम है तो इसी डायरेक्टर ने करना है, ये स्टाइल का है तो इसको कर लो, ये स्टाइल का दो। उसके नुकसान भी है कहीं पे, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। हाँ ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, खास स्टाइल की एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए क्योंकि स्टाइल्स कभी फिक्स नहीं होते। अभी हम आप जो जैसे स्पीलबर्ग है, स्पीलबर्ग की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑल द फिल्म के हम से ना उसमें बात करें तो स्पीलबर्ग की अगर आप फिल्में देखें तो सारी मुख्तलिफ फिल्में हैं, साईफाई फिल्में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। म्यूनिक का ले लें आप, स्टाइल वो अलग है, शिंडलर लिस्ट का स्टाइल बिल्कुल अलग है, फिर आप जुरैसिक पार्क जैसी फिल्में बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल की। तो वो भी तो एक डायरेक्टर है जो कि हर तरह के काम को कर रहा है, लेकिन हाँ ये एक इशू है, ये डायलेमा भी है आई थिंक डायरेक्टर्स का होता है कि वो कोशिश करते हैं कि वो किसी और स्टाइल का काम करने का करें लेकिन क्लाइंट या एजेंसीज का उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो आई थिंक उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये सिग्नेचर स्टाइल जो हैं ये एक पर्सनैलिटीज से भी मुझे लगता है कनेक्टेड है कि इंसान की जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम में नज़र आ रही होती हैं। तो आई थिंक हमारी जो जनरेशन है, जिस जनरेशन में मैं या आप या हमारे बहुत से जो इसके लोग कॉल करते हैं, तो हमने तो चीज़ों को हमेशा अडेप्ट करना सीखा है शुरू से लेके, क्योंकि एडवांसमेंट पिछले 15 सालों में जितनी ज़्यादा हुई है वो आई थिंक के उसी ने ही आपको को सिंक कर दिया था कि अब ये चेंज होता है फिर आप उस पर शिफ्ट होते हैं, फिर एक और चीज़ आती है फिर आप उस पर शिफ्ट होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक डायरेक्टर के लिए या एक किसी भी इंसान के लिए कि वो उसको अडेप्ट लाजमी तौर पे करे, अपने तरीके से करे, अपने स्टाइल में रहते हुए करे, लेकिन वो लाजमी उन चीज़ों की एक्सप्लोरेशन ज़रूर करे। क्योंकि जिस टाइम पे आप अपने टाइम के साथ नहीं चल रहे होते या फिर अगर आपने प्री कंसीव्ड बना लिया कि जो पहले था वो सही था तो शायद आपका आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आप फिर आप बिल्कुल कहीं पर रुक जाते हैं। इसकी एग्जांपल आपको मैं ना एक ये शायर है गुलजार साहब, अगर आप सब जानते हैं उनको, तो अगर आप उनकी जर्नी को देखें एज ए लिरिसिस्ट तो वो 60s से लेके अभी तक 2021 तक गाने लिख रहे हैं, लेकिन अगर उनकी आप गानों के स्टाइल जो 60-70 में था लिरिक्स का जो स्टाइल था, अगर वो आप 2021 के स्टाइल के गानों के हिसाब से देखें तो वो बड़ा फ़र्क है। लिंगो भी चेंज हुई, उसका स्टाइल भी चेंज हुआ, फ़र्क भी आया, लेकिन वो अडेप्ट करते गए ज़माने के साथ, तो वो आज भी स्टिल वो ही एग्जिस्ट और लोग उनको जानते हैं और वो अभी तक काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा हमारी इस इंडस्ट्री में भी है कि अगर आप अडेप्ट करते रहेंगे, अब जैसे नए गियर्स आ गए हैं, बहुत सी शूटें रॉनिन के ऊपर हो रही हैं, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं नए तरीके के शॉट्स, नई चीज़ों की चीज़ें, नए गियर्स को देख रहे हैं कि वो कैसे हो रहा है, कैमरों के साइज़ छोटे होते जा रहे हैं, उसकी और नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। ये लर्निंग फेज़ है तो मुस्तकिल चेंज होता रहेगा कि आने वाले 5 सालों में और कुछ चीज़ें बदल जाएंगी और ये सारी चीज़ें शायद दोबारा आपको आउटडेटेड लगेंगी। तो अडेप्टेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है और लर्निंग तो एक इट्स अ प्रोसेस जो कि हर वक्त चलता रहना चाहिए, वरना तो आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि कमर्शियल के सारे प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है चैलेंजिंग होते हैं, आसान कुछ नहीं होता, दुनिया में कोई चीज़ आसान नहीं होती क्योंकि उसके अपने अपने सेट ऑफ स्ट्रेसेस के साथ वो प्रोजेक्ट आता है, अपने सेट ऑफ चीज़ों के साथ वो आपके पास मौजूद होता है, हर नए लोग, नई चीज़ें, नया क्रिएटिव, तो वो एक चैलेंज तो आता है। सर्फ एक्सेल रमज़ान जो हमने कोविड में लास्ट ईयर 2020 में किया था, उसका सबसे बड़ा चैलेंज जो पूरी दुनिया ने फेस किया था कि वो मार्च 23 को पूरी दुनिया में ही एक तरीके से लॉकडाउन लग चुका था और अगले 1-2 वीक्स तक तो सारे सिर्फ ये सोच रहे थे कि आने वाला ज़िंदगी का फ्यूचर क्या है, हर कोई ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया था क्योंकि इतना ब्लर था विजन के आगे होने क्या वाला है। और उसमें मैं बहुत आई थिंक कि ये बड़ी मैं जो इसकी बैंड हमारी मैनेजर थी बतूल, प्रोडक्शन हाउस था बायोनिक फिल्म्स, ये सारे जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि यार ये प्रोजेक्ट करना है, तो हम लोग उस वक्त यही सोच रहे थे कि करेंगे कैसे, इसकी वो साइंस क्या बनाएंगे। सो आई थिंक इसमें बड़ा बहुत मुश्किल था उस ज़माने में उसको शूट करना, बहुत मुश्किल था उस ज़माने में उसको लॉजिस्टिकली प्लान करना,
क्योंकि 5 बजे का लॉकडाउन था, आप मिल भी नहीं सकते, उसमें शूट करना। लेकिन मैं इसमें जो कार्लोस इसके पीछे क्रिएटिव थे, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिखा था, उन्होंने कॉन्सेप्ट ही ऐसे लिखा था कि एक तो एक मिनिमम लोग हों उसके अंदर, एक सीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, और उसी के साथ ही सिचुएशन बन के निकल कर आ जाए। हमारी खुशकिस्मती ये थी कि जिन एक्टर्स को हमने कांटेक्ट किया सबसे पहले, तो ये कि वो राज़ी हो गए काम करने में, और वो हमने उनको बड़ा इस तरह से मैनेज किया था कि वो कम कम देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए उनको हमको ईजीली मैनेज कर सकें। कुछ चीज़ें जो हैं, हमने बच्चे जो एक्चुअल बच्चे थे, हमने उनके घरों में ही शूट किया, हमने लोकेशंस को बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं की थी, हमने एक्चुअल बच्चे को लेकर उसके घर में कुछ सीक्वेंस वहाँ शूट किए थे। तो उसको इसी तरीके से मैनेज किया था, जो बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था, उस पर प्रेशर्स भी बहुत थे कि वो कैसा बनेगा। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था उस कैंपेन को लेके, और जो सबसे बड़ा प्रेशर था, वो ये कि ये उस सर्फ एक्सेल रमज़ान से पहले इंडिया करता आ रहा था पिछले 5 6 सालों से, और वो उसको एक बड़े स्केल पे करते आ रहे थे। उनके पास सारे लॉजिस्टिकली भी, उनके पास हर तरह की आसानियाँ थी। हमारे लिए चैलेंज ये था कि वो हमें कैंपेन भी करनी थी, कोविड का भी टाइम था, और उसका हमें ये भी पता था कि उसका जो कंपैरिजन है वो उनकी तमाम पिछली कैंपेन्स के साथ होने वाला है। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन उसका जो रिजल्ट था, उसका जो जिस तरीके से वो वायरल हुआ, जिस तरीके से लोगों ने उसको पसंद किया, उसको इतना पसंद किया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो हेड है, उन्होंने उसको इंडियन, हमने उसका पैक चेंज करके उनको भिजवाई थी कॉपी, उन्होंने उसको शेयर किया, फिर उन्होंने उसकी बंगला कॉपी भी बनाई, उसकी फिर मिडिल ईस्ट की कॉपी भी बनी। वो एक बहुत एक रिमार्केबल और एक मेमोरेबल प्रोजेक्ट था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बहरहाल क्रिएटिव कॉन्सेप्ट ही है, जो जो क्रक्स होता है किसी भी चीज़ का। अगर वो सही नहीं है, तो अगर उसके ऊपर आप जितनी और मेहनत कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चली जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे कि अगर गाने की लय नहीं अच्छी, तो वो गाना की आप म्यूज़िक वीडियो चाहे जितनी अच्छी बना लें, उससे गाने की उसकी ज़िंदगी पे कोई वो फ़र्क नहीं लेकर आएगा। गाने को अच्छा होना उसका बुनियादी रीज़न है कि गाना पहले अच्छा हो, फिर वो चाहे गाने की म्यूज़िक वीडियो एक कमरे में बंदा सामने बैठ के गाना क्यों ना गा रहा, वो लोग उसको देखेंगे, म्यूज़िक वीडियो को शायद थोड़ी देर के लिए देख के भूल जाएँ या फिर आगे निकल जाएँ। लॉस ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू तो आई थिंक हमारे यहाँ है बहुत ज़्यादा, और उसका बुनियादी रीज़न मेरे ख्याल से ओरिजिनलिटी है। लोग जो हैं वो फियर है उनको अपनी ओरिजिनलिटी को एक्सप्लोर करने का, वो क्योंकि ज़िंदगी खुद इतनी अब शैलो हो गई है, वो हर चीज़ जो है वो दूसरों के लिए करते हैं, तो वही सब चीज़ें जो हैं आपकी काम में भी नज़र आती हैं। जितना कॉम्प्लेक्सेस के साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में शो हो रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल के कॉम्प्लेक्सेस यही हैं कि आप उस पर काम नहीं करते जिस पर काम करना चाहिए, और आप उस पर ज़्यादा ध्यान होता है जो उसकी हिस्सा नहीं है उस चीज़ का, जो कि उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा। इसलिए वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक फिल्म बिल्कुल एक छोटी सी फेसबुक इंस्टा स्टोरी की तरह रह जाते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए आप देखते हैं और भूल जाते हैं और वाह वाह करते हैं। आई थिंक जो इम्प्रूवमेंट है वो यही है कि जो फियर्स होते हैं हमारे एज क्रिएटिव्स या एज डायरेक्टर या एज जो भी हैं हमारे एज अ सोसाइटी, वो फियर्स हमारे हैं कॉम्प्लेक्सेस, और वो जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, वो इंसान को कहीं आगे लेके नहीं जा पाते, और उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस की वजह से आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, और वो अनकॉन्शियसली आपको इम्प्रूव कर रही होती है। जब आप उनको ओवरकम करते हैं ना सब चीज़ों को, तो वो आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करती है, और जब वो आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करती है, वो आपकी हर चीज़ में नज़र आती है। जिस टाइम पे आप इस बात की एक्सेप्टेंस कर लेते हैं कि आप जो हैं वो हैं, और आप वो नहीं हैं जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो जब उस चीज़ की वो ख़त्म हो जाता है ना, ग्लास आप तोड़ देते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आप वंडर्स करते हैं, फिर आप चीज़ें ऐसी एक्सप्लोर करते हैं जो दूसरे को भी हिट करती हैं, और आई थिंक वो उसकी कनेक्टिविटी ज़रा ज़्यादा बड़े स्केल पर होती है।